अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे वनीला कपकेक्स, वो भी बिना ओवन के। आज मैं जो आपको रेसिपी देने जा रही हूँ, तो इससे आप कपकेक्स बहुत ही इजीली बना सकती हैं बिना ओवन के, और इसी मेथड से आप ओवन के साथ भी बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ओवन को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री पर तकरीबन 20 मिनट के लिए, या फिर कोई इस तरह करके पतीली ले लें और इसमें आप नमक बिछा दें। कोई स्टैंड रखें, अगर स्टैंड नहीं है तो इस तरह का कोई मेटल का बर्तन या कोई कटोरी वगैरह भी रख सकती हैं। और अब हम इस बर्तन को गर्म करेंगे, यानी कि पतीली को हम लो फ्लेम पर गर्म करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। और अगर ओवन में आपने बनाना है तो 180 डिग्री पर आपने 20 मिनट के लिए गर्म करने छोड़ देना है। अब हम फ्लोर लेंगे, ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, और इस तरह करके हम लेवल करेंगे छुरी की मदद से। ये एक कप हमने मैदा लिया है और इसमें हम 1 टेबलस्पून इस तरह हटाएंगे। ये आप देख सकती हैं, 1 टेबलस्पून इसमें से मैंने मैदा हटा दिया है बिल्कुल लेवल करके। और यही 1 टेबलस्पून लेवल करके हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। ये कॉर्नफ्लोर है 1 टेबलस्पून, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टोटल हमने 1.5 कप फ्लोर यानी कि मैदा यूज़ करना है, तो ये 1 कप हुआ। इसके अलावा अब हम आधा कप मज़ीद शामिल करेंगे, तो आधा कप में उसी तरह आप आधा टेबलस्पून फ्लोर हटा के आधा टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। इसके अलावा बेकिंग पाउडर हम इसमें डालेंगे 1.5 यानी के 1.5 टीस्पून। वेनिला पाउडर मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से सिफ्ट करेंगे। वेनिला पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास वेनिला एसेंस है तो आप वेनिला एसेंस ऐड कर सकती हैं, मेरे पास नहीं था तो इस वजह से मैंने वेनिला पाउडर यूज़ किया है। बटर हम लेंगे आधा कप रूम टेम्परेचर पर, और ये बारीक चीनी है यानी कि पाउडर शुगर है, ये हम लेंगे 1 कप। सिंपल आप चीनी को ग्राइंडर में डालकर पीस लें, बारीक कर लें। और ये 1 कप चीनी हम थोड़ी थोड़ी करके मक्खन में ऐड करेंगे और इसे हम बीट करते जाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप इसे अच्छे से बीट नहीं करेंगे तो केक आपका फ्लफी नहीं बनेगा। तो इस स्टेप को आपने अच्छे से करना है, थोड़ा थोड़ा करके, इस तरह करके थोड़ी आपने चीनी ऐड की और फिर आपने इसे बीट किया। तो इसी तरह हम साइड से स्क्रैप करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे मुसलसल। इसे हमने तब तक बीट करना है जब तक कि ये अच्छे से लाइट कलर्स का ना आ जाए, फ्लफी सा ना हो जाए, और जो चीनी है पाउडर चीनी और जो बटर है यानी कि मक्खन, ये सब यकजान ना हो जाए। तो ये आप देख सकती हैं कि इसका कलर अब चेंज हो गया है और ये क्रीमी सा हो गया है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे, अंडे 3 अदद हम इसमें शामिल करेंगे। अंडे भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। आप इससे बहुत से लोग पूछते हैं कि रूम टेम्परेचर क्या होता है, तो रूम टेम्परेचर मैं आपको बताती जाऊँ कि जो फ्रिज में ना रखा हो, बाहर पड़ा हुआ हो, यानी कि फ्रिज से बाहर पड़ा हुआ हो, तो हम वो चीज़ें बेकिंग में यूज़ करते हैं। इस तरह 1 by 1 यानी कि एक एक करके हम इसमें अंडा शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से हम बीट करते जाएंगे। ये लास्ट वाला अंडा है, ये भी मैं इसी में ऐड करूँगी और अच्छी तरह से हम इसे बीट करेंगे। अगर आप वेनिला एसेंस इस्तेमाल कर रही हैं तो इस स्टेज पर आप इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकती हैं। अब हम इसमें ड्राई जो हमने फ्लोर रखा हुआ था, जो छान के हमने रखा हुआ था अलग से, वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया, तकरीबन आधा कप। और अब मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ, ये भी नॉर्मल जो दूध होता है वही है। तो 3 खाने के चम्मच मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसे स्क्रैपर की मदद से मिक्स करेंगे, स्पैटुला की मदद से, और इसके बाद अब हम इसे बीट करेंगे।
स्पीड आपने हाई पर नहीं रखनी, लो स्पीड पर हमने इसे बीट करना है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हम ड्राई जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड करते जाएंगे, और साथ ही 3 टेबलस्पून हम दूध शामिल करते जाएंगे। टोटल मैंने यहाँ पे 9 खाने के चम्मच यानी कि 9 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध ऐड किया है। तो आधा कप हम ड्राई मिक्सचर ऐड करेंगे, साथ में 3 टेबलस्पून दूध हम ऐड करेंगे और बीट करते जाएंगे हल्की स्पीड पर। ओवर बीट नहीं करना आपने बिल्कुल भी इसे। अगर आप इसे ओवर बीट करेंगी तो केक जो है वो बैठ जाएगा, वो फ्लफी नहीं बनेगा। तो हल्के हाथों से ही आपने इसे बीट करना है, थोड़ा थोड़ा ही आपने इसे बीट करना है। और ये आप देख सकती हैं कि मिक्सर हमारा रेडी है। मिक्सर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये आप देख सकती हैं इस तरह का फ्लफी मिक्सर हमारा होना चाहिए। ये इस तरह के आप कप्स ले सकती हैं, एल्युमिनियम के कप्स आप ले सकती हैं, मफिन ट्रे भी आप ले सकती हैं। जो कप्स हैं तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ब्रश की मदद से, और जो मफिन ट्रे हैं तो इसमें मैं इस तरह करके कप केक्स का मोल्ड रख रही हूँ। पेपर कप्स हैं ये, तो अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो इस तरह सिंपल आप एल्युमिनियम के कप्स भी ले सकती हैं, और अगर आपके पास ये ट्रे अवेलेबल ना हो तो सिंपली आप इस तरह कप्स में डालकर इसे आप बेक कर सकती हैं किसी ट्रे में रखकर। तो अब हम तकरीबन 1 स्कूप भर के इसमें मिक्सर डालेंगे, आइसक्रीम का 1 स्कूप जो होता है तो वो इसमें मैं डाल रही हूँ। चम्मच से अगर आप करेंगी तो 2 खाने के चम्मच तकरीबन बनेंगे। सारा मिक्सर इस तरह करके हम मोल्ड में डाल लेंगे। जो एल्युमिनियम के मैंने लिए हैं तो उसमें भी मैं ऐड कर लूँगी इस तरह करके। तो सारे के सारे मोल्ड्स हमने फिल कर लेने हैं और इस तरह से टेप कर लेना है हल्का सा। अब हम इसे बेक करेंगे। ओवन में हमने इसे 150 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक करना है, और पतीले में हमने इसे 20 मिनट के लिए ही बेक करना है लो फ्लेम पर। ढककर अच्छी तरह से ढककर हमने इसे लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए बेक करना है। तो 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। इस तरह करके कोई टूथपिक लें या फिर कोई वुडन स्क्यूअर ले लें और इसे आप बीच में इंसर्ट करके देख लें। अगर ये क्लीन निकल आए तो कपकेक्स हमारे रेडी हैं। एक बात मैं आपको बताती जाऊँ कि जब कपकेक्स आप पतीले में बनाएंगी तो ऊपर से इसका कलर नहीं आएगा, अंदर से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। मैं आपको इस तरह करके मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, लेकिन ये एक बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इसका कलर ऊपर से ब्राउन नहीं आएगा। हाँ, अगर आप इसे ओवन में बनाएंगे तो इसका कलर ऊपर से बहुत ही अच्छा आएगा, और ये इसका जो डोम शेप ऊपर से आता है तो वो भी आएगा। पतीले में ये होगा कि बन तो जाएगा लेकिन ऊपर से कलर नहीं आएगा, और जो इसका ऊपर से थोड़ा सा डोम शेप में आता है तो वो भी नहीं आएगा। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इस तरह करके हमने इसे निकाल लेना है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है, और इसके बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो ये पतीले वाले हैं जो कि मैंने अभी पतीले में बेक किए हैं। इसका रैपर मैं उतार के आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह के ये कपकेक्स बनेंगे, ये आप देख सकती हैं अंदर तक बिल्कुल पके हुए और फ्लफी हमारे कपकेक्स तैयार हैं। इसके अलावा जो ये वाली पिक्चर है जो ऊपर से थोड़ा सा डोम शेप और ब्राउन कलर में आया है, तो ये मैंने ओवन में बेक किए हैं। तो आप जिस तरह चाहें आप इसे बेक कर सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।